इट्स माही खान, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ 90% पीपल अपनी सोच से विकलांग हैं। ये हमेशा सिर्फ ऐसी बात करेंगे जिससे हम डीमोटिवेट हों, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर पाए नहीं है और हमें भी अपनी ही तरह समझते हैं। ये सोचते हैं कि हम भी इनकी तरह बन जाएं। ये हमें अपनी तरह बनाने के लिए 1000 रीजंस देंगे कि जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता। अबे तू उन्हें 1,00,000 रीजंस दे कि ये होगा, मैं करूंगा। अपनी आंखें खुली रखना मुझे इसी काम में सक्सेसफुल होते हुए देखने के लिए। ये तेरे ड्रीम्स को अपने घटिया लॉजिक्स पे तौलेंगे, अलग अलग प्रकार के रीजंस देंगे कि बेटा तेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तू गरीब है, बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, तू कहाँ से लाएगा, तू जॉब कर ले, और बेटा जैसे हमने अपनी जिंदगी मजे से जिए वैसे तुम भी जियो, ऐश करो। अबे चल हट, हमें नहीं जीना ये कंफर्ट जोन की लाइफ, तुम सड़ो इसमें। अरे हमारा तो जन्म ही किसी महान मकसद को पूरा करने के लिए हुआ है और मैं उसको पूरा करके रहूंगा। अब उसके लिए चाहे मुझे कांटों पर चलना पड़े या गहरा से गहरा घाव सहना पड़े, मैं सहूंगा। अबे मैं वो सूरज हूँ जो खुद जलकर अपनी और दूसरों की जिंदगियां रोशन कर दूंगा, तुम बस देखना। और यार ये जो सोसाइटी है ना, ये तुम्हारी सोच को रोज कमजोर बनाने में लगे रहेंगे। इनके विचार कमजोर हैं, इसीलिए इनके शब्द में भी दम नहीं है। ये वही घिसी पिटी पुरानी स्क्रिप्ट लेकर के बैठे रहेंगे, किस्मत वाली स्क्रिप्ट, कि तेरी किस्मत खराब है, तेरा मुकद्दर तेरा साथ नहीं दे रहा है, तेरे हाथों की लकीरों में वो नहीं है जो तू करना चाहता है, मेरी सलाह मान जो मैं कहता हूँ वो कर। अबे चुप कर, किस्मत, मुकद्दर, हाथों की लकीर, ये सब सिर्फ तेरी सोच है, मेरी कोई लिमिट नहीं है। चल अगर तू यही मानता है तो कह दे उस किस्मत से कि जो लिखना है वो लिख दे मेरी किस्मत में, कह दे उस मुकद्दर से कि छोड़ दे हमेशा के लिए मेरा साथ, कह दे उन लकीरों से कि लगा दे अपनी सारी शक्ति मुझे हराने में, पर मेरी मेहनत के आगे इस मुकद्दर की कोई औकात नहीं। किस्मत, इसे तो पहले ही मैं अपने हाथों से लिख चुका हूँ और लिख कर अपने माइंड के पीसी में सेव कर चुका हूँ। आप लोग खुद सोचो यार, ऐसा इंसान जिसके हाथ और पैर हो ही ना तो लकीर कहाँ से होंगी। पर फिर भी जब वो सक्सेसफुल हो सकता है तो आप लोग क्यों नहीं। मैं बात कर रहा हूँ निक व्यूजूसिक के बारे में। अगर आप लोग इसे नहीं जानते हो तो यार एक बार यूट्यूब पे इसकी बायोग्राफी जरूर देखो। किस्मत, मुकद्दर, लकीर, ये सब कमजोर सोच के पिलर्स हैं, जिन्हें अगर तुमने अपने माइंड में बैठा लिया तो फिर तुम्हारी लाइफ की इमारत कभी मजबूत नहीं बन सकती। आदमी विकलांग अपने शरीर से नहीं, अपनी सोच से होता है। इसीलिए तो इस दुनिया में ज्यादातर लोग अनसक्सेसफुल हैं, और जो सक्सेसफुल हैं वो अपनी सोच से विकलांग नहीं है। किसी को भी खुद पे भरोसा नहीं और इधर उधर दूसरों का भरोसा जीतने की कोशिश में लगे हैं। पेरेंट्स का भरोसा, फ्रेंड्स का भरोसा, रिलेटिव्स का भरोसा। अबे क्यों तू इन लोगों से भरोसे की भीख मांग रहा है? कोई ना करे तेरे ऊपर भरोसा, पर तू खुद पर भरोसा कर। जो तूने सोचा है उसको तू ही पूरा करने के लायक है। तेरे मकसद ने तुझे उस काम के लिए चुना है क्योंकि तू उसके लिए काबिल है। और छोड़ दे तू ऐसे लोगों का साथ जिनकी सोच कमजोर है। किस्मत, मुकद्दर, लकीर, इन सब को अपने माइंड से डिलीट कर। हो सके तो मेरी वीडियोस मॉर्निंग और नाइट में रिपीट कर और अपनी सोच को मजबूत बना। इतनी विशाल की देखते ही हेटर्स हो जाए बहाल। और अगर कोई भी आकर के कहता है ना कि तेरा मुकद्दर खराब है, तो भाई कह दे उनसे कि मेरा मुकद्दर नहीं, तेरा दिमाग खराब है, क्योंकि मेरा मुकद्दर तो वैसे ही है जैसा मैं चाहता हूँ, पर गलती तुम्हारी है जो तुम मेरी सोच को समझ नहीं पा रहे हो। गरीब हूँ, फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब जाओ तेल लेने, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूंगा। और ये सब करने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत मेरे लक्ष्य से मुझे हिला नहीं सकती है। जो मेरा लक्ष्य है वो मेरी नसों में उतर चुका है, अब और कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे सबसे ज्यादा अपने ड्रीम से प्यार है, और कुछ भी हो जाए अपने लक्ष्य को तो पा के रहूंगा। तो गाइस अपनी सोच को मजबूत करो। ये दुनिया तो कमजोर थॉट्स बोल के हमको कमजोर करने के लिए खड़ी ही है, पर खुद को अपनी सोच से इतना मजबूत बना लो कि इस दुनिया का कोई भी प्रहार तुम पर काम न करे। तो दोस्तों अगर जरा सा भी मोटिवेट हुए हो ना तो लाइक करो, मैं समझ जाऊंगा कि मेरी वीडियो से किसी की हेल्प हो रही है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताओ, और इस मोटिवेशन को पूरे इंटरनेट पर बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ा दो। शेयर करो फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले पावरफुल मोटिवेशन में, तब तक के लिए बी इंस्पायर्ड एंड स्टे ट्यून्ड विद माही खान।